बच्चों, मैं संजीदा, हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, चलिए हम लोग आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 7 प्रकरण है सलीम का आत्मविश्वास नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और मानवता से प्रेम करना चाहिए। हमारे अंदर सभी व्यक्तियों की मदद करने की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है तो हमें उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आम व्यक्तियों की तरह इन व्यक्तियों के भी क्या होते हैं, आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आम व्यक्ति होते हैं उनके पास जितने भी अधिकार होते हैं, वैसे जो शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें देखकर हंसना नहीं चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग समझते हैं। एक बार 14 नवंबर का दिन था और विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। बाल दिवस सभी जानते हैं ना, 14 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन सभी बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे खेल रहे थे, चाट पकौड़ी खा रहे थे, कुछ बच्चे झूले भी झूल रहे थे। अंकित भी आज बहुत खुश था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। ठीक है, जब छुट्टी की घंटी बजी तो सभी बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए और जो ड्राइवर अंकल थे जो बच्चों को लेने आते थे, उस दिन उनके साथ उनका बेटा सलीम भी आया था। फिर देखिए क्या हुआ, अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे, उनका नाम अहमद था। ड्राइवर अंकल का नाम अहमद था। वे उसके घर के पीछे बने मकानों में रहते थे। अंकित ने जैसे ही ड्राइवर अंकल को देखा तो वह उछलता कूदता गाड़ी के पास आया और गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी आया था। उस दिन ड्राइवर अंकल के साथ गाड़ी में उनका बेटा आया था। उसे देखकर अंकित बहुत खुश हुआ। फिर उसने सलीम से उसका नाम पूछा। सलीम किसका नाम था, ड्राइवर अंकल के बेटे का। तो अंकित ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने हकलाते हुए बताया सलीम। फिर पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइवर अंकल ने बताया कि बेटा सलीम को हकलाने की आदत है, इसलिए यह स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि इसे पढ़ने लिखने में परेशानी होती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम इसे स्कूल में दाखिला करवाएं। इस पर अंकित ने कहा कोई बात नहीं। उसने सलीम से पूछा क्या तुम पढ़ना चाहोगे। सलीम ने कहा हाँ भैया, मैं
पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद अंकित घर गया और उसने अपने माता पिता से कहा कि क्या हम सलीम की मदद कर सकते हैं, वह हकलाता है और उसे हम अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। तो अंकित के माता पिता इस पर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, हम सलीम की अवश्य ही सहायता करेंगे। अगले दिन अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला पास के ही एक विद्यालय में करवा दिया। दाखिला का क्या अर्थ होता है बच्चों, बताइए? दाखिला देखिए, दाखिला का क्या अर्थ होता है? प्रवेश। विद्यालय में दाखिला करवा दिया। इसके बाद अंकित ने अपने जेब खर्च से क्या किया, उसके लिए किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म लाकर दी और अंकित में के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता भी गदगद हो उठे थे। फिर उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। अब सलीम विद्यालय तो जाने लगा, लेकिन उसके मन में एक झिझक थी। झिझक का क्या अर्थ होता है बच्चों, बताइए? झिझक, झिझक का अर्थ होता है संकोच। सलीम विद्यालय तो जाने लगा, लेकिन उसके मन में एक झिझक थी और भय था, भय डर, जो कि उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जब अंकित ने देखा तो उसने सलीम की बहुत मदद की, ठीक है, उसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन सलीम रो रहा था और हकलाते हुए बोला किससे, अंकित से, कि भैया शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर सब बेकार, कहकर वह खूब फूट फूट कर रोने लगा। किस्मत का क्या अर्थ होता है? किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। इसके बाद अंकित ने उसे सांत्वना दी। सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। उसे तसल्ली दी कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। एक दिन सलीम धीरे धीरे गुनगुना रहा था तो अंकित ने उसकी आवाज को सुना और उसने कहा कि सलीम तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है, तुम्हें विद्यालय के गायन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तो सलीम ने कहा भैया मैं गाना कैसे गा सकता हूँ, मुझसे यह नहीं होगा, यह संभव ही नहीं है। तो अंकित ने कहा कि क्यों संभव नहीं है, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है और तुम्हें भाग लेना ही पड़ेगा। तो सलीम ने कहा ठीक है और अंकित ने सलीम का हर संभव आगे बढ़ने के लिए क्या किया, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता गया। उसने सलीम के अंदर आत्मविश्वास की भावना को जगा दिया और उसे गाने का खूब अभ्यास कराया। धीरे धीरे समय बीता और सलीम की प्रतिभा निखरती चली गई। ठीक है बच्चों, प्रतिभा का क्या अर्थ होता है? योग्यता। प्रतिभा, प्रतिभा का क्या अर्थ होता है? योग्यता। प्रतिभा का योग्यता। इसके बाद जब समय बीता, गायन प्रतियोगिता का दिन आ गया तो
उस दिन सलीम और अंकित के साथ उनके माता पिता भी सलीम के विद्यालय गए और सलीम डगमगाते हुए स्टेज की ओर बढ़ा। सभी ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। सलीम की मधुर आवाज में देशभक्ति का गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सलीम को प्रथम पुरस्कार मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं और विद्यार्थी सलीम की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा का क्या अर्थ होता है बताइए? तारीफ करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद सलीम में हर चीज के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। आत्मविश्वास का क्या अर्थ होता है? अपने ऊपर विश्वास होना। और अब वह पढ़ाई में भी अच्छे अंक लाने लगा। ठीक है बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है? यही कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो हमें उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर मदद करने की भावना विकसित होनी चाहिए और मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, यही इस कहानी का उद्देश्य है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, इस कहानी को आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।